आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव प्रजनन का हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वृषण का अनुप्रस्थ का पीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि नर प्रजनन तंत्र में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है और टेस्टिस जो है 250 कंपार्टमेंट में बटा होता है, जिसको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। इस टेस्टिस वृषण पालिका से 1 से 3 अतिकुंजित नलिकाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका। अब एक वृषण के अंदर ढेर सारी शुक्र जनन नलिकाएं होंगी, लेकिन हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 2 शुक्र जनन नलिका को बनाया है। शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कोशिका को हम लोग नर जर्म कोशिका और जो दूसरी कोशिका है उसको सरटोली कोशिका कहते हैं। अब हम लोग डायग्राम में देखें कि कौन सा जर्म कोशिका होगा और कौन सा सरटोली कोशिका। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो कोशिका है एक दूसरे पे शीर्ष पे आकर के अटैच्ड हो रही है। ये कोशिका हो गया, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका। तो इस ये कोशिका जो शीर्ष पे आकर के आपस में ज्वाइंट हो रही, एक दूसरे से जुड़ रही है, उस कोशिका को हम लोग सरटोली कोशिका कहते हैं। और सरटोली, 2 सरटोली कोशिका के बीच का जो स्पेस है, ये खाली स्पेस, यहाँ पे एक कोशिका होती है, जिस कोशिका को हम लोग नर जर्म कोशिका कहते हैं। अब ये जो नर जर्म कोशिका है इसमें एक प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसको हम लोग एस्परमेटोगोनिया सेल, एस्परमेटोगोनिया कोशिका कहेंगे। इसी एस्परमेटोगोनिया कोशिका में बार बार अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू शुक्राणु का, फ्यूचर शुक्राणु का निर्माण इसी एस्परमेटोगोनिया कोशिका के द्वारा होता है। अब ये जो एस्परमेटोगोनिया कोशिका है, इस कोशिका को शुक्राणु बनाने के लिए कुछ पोषण तो चाहिए, कुछ नरिशमेंट तो चाहिए। तो वो नरिशमेंट देने का काम, पोषण देने का काम कौन करता है? तो सरटोली कोशिका करता है। किसको पोषण देने का? तो शुक्राणु बनाने वाले कोशिका को पोषण देने का काम शुक्राणु कोशिका को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार देखें, ये हम लोगों का वृषण है। प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिस कंपार्टमेंट से 1 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, जिस नलिका को हम लोग शुक्रजनन नलिका कहते हैं। एक वृषण में बहुत सारे शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 2 शुक्रजनन नलिका को बनाया है। एक शुक्रजनन नलिका के अंदरूनी साइड में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल, और दूसरी कोशिका सरटोली कोशिका या सहायक कोशिका। नर जर्म कोशिका में के अंदर एस्परमेटोगोनिया कोशिका होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परिपक्व होकर शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये जो सरटोली कोशिका है, ये सरटोली कोशिका एस्परमेटोगोनिया कोशिका को पोषण प्रदान करती है, ताकि आगे फ्यूचर में शुक्राणु का निर्माण हो सके। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 शुक्रजनन नलिका, ये भी एक शुक्रजनन नलिका है, ये भी एक शुक्रजनन नलिका है। तो 2 शुक्रजनन नलिका के बीचों बीच इसके दीवार की तरफ से, वाल के साइड से एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिस कोशिका को हम लोग लीडी कोशिका कहते हैं, या इसको हम लोग दूसरे नामों से अंतराली कोशिका के नाम से भी जानते हैं। कोशिका इसको हम लोग सेक्रेटरी सेल भी कह सकते हैं। सेक्रेटरी सेल का मतलब इसमें हार्मोन का सेक्रीशन होता है। तो ये जो अंतराली कोशिका है इसमें 2 तरह के हार्मोन का सेक्रीशन होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा जो हार्मोन है वो है एंड्रोजन। इन दो हार्मोन का सेक्रेशन इस लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका से होता है। अब हम लोग देखें कि इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो ये जो हम लोगों का फर्स्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जब नर 12 से 13 साल का होता है, मतलब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी का मतलब हो गया यौवना आरंभ, जिसमें उसके जो लैंगिक अंग होते हैं वो विकसित और मैच्योर होते हैं। तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि नरों में कुछ चेंजेस आते हैं जो हम लोगों को बाहरी रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे नर के आवाज़ का भारी हो जाना, मोस्टिक बियर्ड मतलब दाढ़ी मूंछ का आ जाना, अनवांटेड हेयर्स का आना, आर्मपिट पे हेयर्स का आना, उसके बाद मसल्स में उभार आ जाना। तो ये सारे लक्षण, इस सारे लक्षणों को ही हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। और इस लक्षण को कंट्रोल करने का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि कोई बच्चे 8-9 में ही रहते हैं, उसमें पूरी दाढ़ी मूंछ बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोई कोई बच्चे जो है वो देखते हैं कि इंटर पास भी कर जाते हैं फिर भी थोड़ा कम उसमें दाढ़ी मूंछ का डेवलपमेंट होता है। तो क्या है कि ये जो इस तरह के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का जो विकास होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कम सेक्रेशन या ज़्यादा सेक्रेशन की वजह से होता है। अब हम लोग इस दूसरे हार्मोन को देखें। दूसरा हार्मोन हम लोगों का जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब हो गया, स्पर्म बनने की क्रिया, जो स्पर्म बनने की क्रिया है उस क्रिया को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो हम लोगों का एंड्रोजन करता है। क्या काम करता है, शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट से 1 से 3 बहुत कुंडलित नलिकाएं निकलती है, जिस नलिका को शुक्र जनन नलिका कहते हैं। एक वृषण के अंदर ढेर सारी शुक्र जनन नलिकाएं होती है, लेकिन हम लोग यहाँ उदाहरण के लिए 2 शुक्र जनन नलिका को बनाया है। इस शुक्र जनन नलिका के अंदर अंदर में अंदरूनी हिस्से में 2 प्रकार की कोशिका, एक नर जर्म कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया सेल को बनाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का विकास होता है। और जो हम लोगों की दूसरी कोशिका है, जिसके सिर्फ आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है, उसको हम लोग सर्टोली कोशिका कहेंगे। ये सर्टोली कोशिका जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उसको नरिशिंग करने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 शुक्र जनन नलिका के बीचों बीच दीवार के साइड से एक तीसरी विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिसको हम लोग या तो अंतराली कोशिका कहेंगे या लीडिंग कोशिका कहेंगे। ये जो लीडिंग कोशिका है वो सेक्रेटरी सेल की तरह काम करता है, अर्थात हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो लीडिंग कोशिका से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, पहला हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दूसरा हम लोगों का एंड्रोजन हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, तो जो हम लोग का पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात मोस्टिक बियर्ड का आना, अनवांटेड हेयर्स का आना, आवाज का भारीपन हो जाना, एडम्स एप्पल का फट जाना, ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एंड्रोजन जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम ये एंड्रोजन करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने वृषण के अनुप्रस्थ काट को देख लिया। अब हम लोग जो नर प्रजनन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथि है, उस सहायक ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग नर जनन तंत्र में देखें तो नर जनन तंत्र में 3 सहायक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में देखा था। 3 सहायक ग्रंथि में पहला हम लोगों का कौन था, फर्स्ट ग्रंथि था हम लोगों का शुक्राशय, जिसको हम लोग
सेमिनल वेसिकल कहते हैं। दूसरी ग्रंथि थी हम लोगों की प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हम लोग पुरस्त ग्रंथि भी कहते हैं। और जो तीसरी ग्रंथि थी वो थी वल्वो यूरेथ्रल। यह इसका दूसरा नाम कॉकर्स ग्रंथि भी है। तो नर प्रजनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों की संख्या कितनी हो गई? तीन। पहला कौन सा हम लोगों का? शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल कह ले या कॉकर्स ग्लैंड कह ले। अब हम लोग देखें, नाम ही इसका सहायक ग्रंथि, वैसे ग्लैंड जो कुछ सेक्रेशन करते हो और जो प्रजनन में हेल्प करता हो, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे, सहायक ग्रंथि। अब हम लोग देखें इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है इसकी संख्या दो होती है। हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड में एक एक ग्रंथि थी सेमिनल वेसिकल। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक होती है। ये यूरेथ्रा के बेस वाले पार्ट पे, आधार वाले पार्ट पे पिरामिड के समान संरचना पाई जाती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा जब हम लोग नीचे आते हैं तो एलोइस कलर के दो छोटे छोटे बल्ब की जैसी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग देखें कि इसके फंक्शन क्या है, शुक्राशय क्या बनाता है। तो शुक्राशय से शुक्र प्लाज्मा का निर्माण होता है, जिसका अमाउंट 60 to 70% होता है। और इस शुक्र प्लाज्मा के अंदर, शुक्र प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसके अंदर फ्रुक्टोज, प्रोटीन और अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है। क्या क्या हो गया इस शुक्राशय के अंदर? शुक्र प्लाज्मा जिसका अमाउंट 60 to 70% होता है। उसके बाद क्षारीय, इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इस शुक्र प्लाज्मा के अंदर फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं और कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये क्या फंक्शन करेंगे? तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो स्पर्म है वो यूरिनरी ब्लडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर चला जाता है, जो मूत्र से, यूरिन से लबालब भरी होती है। तो यूरिन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और ये जो क्षारीय प्रकृति आपस में रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जो कि स्पर्म को मरने से बचाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इपिडर्मिस से वासिफ्रंस होते हुए यूरेटर के ऊपर लूप बनाते हुए इतनी लंबी रास्ता को तय करके शुक्राणु को जाना पड़ा है। तो यहाँ तक जाते जाते शुक्राणु इनएक्टिव हो जाता है, उसको भूख भी लग जाती है बेचारे को। तो ये शुक्राशय में कुछ कुछ ये जो फ्रुक्टोज, जैसे हम लोग कुछ फल फॉर एग्जाम्पल अंगूर को खाते हैं तो उसका टेस्ट मीठा होता है, उसमें भी फ्रुक्टोज होता है जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। उसी तरह से इसके शुक्र प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भी उसको सक्रिय बनाने का काम करते हैं, ताकि शुक्राणु अपने आगे के सफर को तय करें। क्योंकि शुक्राणु को तो अभी मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के एम्पुला तक जाना है। तो ये हो गए हमारे शुक्राशय का फंक्शन। अब हम लोग देखें जो हम लोग का दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट या पुरस्त ग्रंथि। पुरस्त ग्रंथि में भी जो शुक्र प्लाज्मा है, उस शुक्र प्लाज्मा का 20 to 30% पार्ट पाया जाता है, परसेंटेज पाया जाता है। इसका भी सेम शुक्राशय वाला ही फंक्शन होता है। लेकिन इसमें एक रोचक जानकारी क्या है
कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है कभी कभी मूत्र मार्ग को जो हम लोगों का यूरेथ्रा है इसका साइज किसी कारणों से बढ़ जाता है, बढ़ करके ये यूरिन वाले पाथ को अवरोध पहुंचाते हैं, यूरिन को पास होने में दिक्कत करते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा इसको निकलवा करके हटा दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन भी कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सेम फंक्शन शुक्राशय जैसा ही है। अब हम लोग तीसरे ग्लैंड को देखते हैं। हम लोग का जो तीसरा ग्लैंड है वो है बल्बो यूरेथ्रल, इसका एक और नाम कॉपर्स ग्लैंड कुछ कुछ बुक लिखता है। अब इस कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय का लगभग फंक्शन समान सामान्य ही होता है, एक जैसा ही होता है, लेकिन बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि में कुछ वेरिएशन पाया जाता है, कुछ अलग होता है। तो इसमें चिकनाहट पाई जाती है, इसके सेक्रीशन में म्यूकस भरे होते हैं, म्यूकस भरे होते हैं, जो म्यूकस क्या करता है, हम लोगों का जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा को चिकनाहट प्रदान करता है, स्नेहक का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि स्पर्म जो है स्मूथली आगे का अपना जो सफर है वो पूरा कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड को देखा। एसेसरी ग्लैंड की संख्या 3, एक हो गया हम लोगों का सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अगर हम लोग इसके फंक्शन को देखें तो लगभग लगभग तीनों ग्लैंड का जो फंक्शन है सेम ही है। ये एसिड यूरिन के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने का काम करता है, एस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसके सेक्रेशन में म्यूकस भरे रहते हैं, जो म्यूकस हम लोगों के यूरेथ्रा वाले पैसेज को, यूरिन पैसेज को चिकनाहट प्रदान करते हैं, ताकि ये जो एस्पर्म है वो आसानी से आगे का अपना सफर पूरा करते रहे। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग अब देखते हैं मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का नर जनन अंग के कार्य। पहला हम लोग देखें वृषण, टेस्टिस, इसका काम क्या है, तो युग्मक को बनाना अर्थात शुक्राणु बनाता है, और दूसरा काम क्या है, हार्मोन को बनाता है। दूसरा हम लोग अगर स्क्रोटम को देखें, वृषण को देखें, तो वृषण कोष स्क्रोटम क्या करता है, वृषण को युग्मक निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। युग्मक के निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि वृषण का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे सामान्य शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसी टेम्परेचर पे जो वृषण है वो युग्मक का निर्माण आसानी से कर सकता है, इसीलिए वृषण को क्या किया, वृषण को युग्मक निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। अब हम लोग तीसरे ऑर्गन की बात करें तो जो वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी है, वो शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाता है। ईपीडर्मिस हम लोग का पीछे छूट गया। अधिवृषण का क्या काम है, तो शुक्राणु को स्टोर रखता है, जमा रखता है विकसित होने तक।
जठरा को हम लोग देखे मूत्र मार्ग को, तो ये यूरिन ले जाने का रास्ता है, यूरिन का मार्ग है, इसी मार्ग से यूरिन भी जाता है और शुक्राणु भी आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम लोग पेनिस की बात करें, शिशन की बात करें, तो ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया मतलब बाह्य जनन अंग है जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, और इसी के द्वारा मादा मार्ग में सॉरी मादा शरीर के अंदर शुक्राणु का प्रवेश होता है। शुक्राणु का प्रवेश होता है। अब यहाँ बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या मूत्र मार्ग से यूरिन भी एक ही समय और शुक्राणु भी एक ही समय निकलता है, तो ऐसी बात नहीं है। शुक्राणु और जो यूरिन है वो एक ही समय पे दोनों एक साथ नहीं निकल सकता। जब यूरिनरी ब्लैडर भरता है तो हम लोगों का मस्तिष्क कहता है कि चलो बाथरूम चलते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को एक्साइटमेंट नहीं आएगा, हार्मोनल चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक हम लोग शुक्राणु को डिपॉजिट नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। इसीलिए मूत्र मार्ग से या यूरेथ्रा से या पेनिस से एक ही समय में एक ही साथ यूरिन और शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। तो क्या हो गया, वृषण क्या किया, युग्मक का निर्माण और हार्मोन का निर्माण किया। वृषण कोष क्या किया, युग्मक निर्माण के लिए वृषण को वातावरण प्रदान किया। अधिक वृषण में शुक्राणु जमा रहा जब तक कि वो विकसित ना हो जाए। शुक्रवाहिनी क्या हुआ, अधिक वृषण से शुक्राणु को उठा करके आगे की रास्ते की तरफ बढ़ाया, आगे की तरफ। मूत्र मार्ग में यूरिन का पासेज है, यूरिन का रास्ता, और उसी रास्ते से शुक्राणु भी आगे की तरफ मूव करता है, लेकिन दोनों एक ही समय पे एक साथ नहीं निकलता। पेनिस क्या करता है, पेनिस बाह्य जनन अंग है जिसके थ्रू शुक्राणु मादा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इस तरह से हम लोगों का नर जनन तंत्र वाला टॉपिक खत्म हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मादा जनन अंग को लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।